अरे कहा था ना फिर मिलेंगे, मिल गए ना। अरे हाँ अनंत, इनसे मिलो, ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी। अरे बाबू मोशाय, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना। त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फोसार्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत तो एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का? अरे आनंद जी आप क्या है? क्या फैसला हुआ था? तुम बोलो। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं भागा है बाबू मोशाय। अगर मुझे वहां पर रखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं वहां अकेले अकेले रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन आनंद, तुम्हारे लिए वहां रहना जरूरी है। कोई जरूरी वरूरी नहीं है। अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वहीं रहना चाहिए। ए बाबू मोशाय, देखो ना, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं, जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो। देखना कैसे बांध के रखती हूँ मैं। बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी, ठीक निकल जाऊंगा। आनंद, ए बाबू मोशाय कब आए? चोरी चोरी मेरा गाना सुन रहे थे। हाँ, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ उदास लगा। तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबू मोशाय? कभी कभी गम भी तो। आनंद, खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो। नहीं 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 बाबू मोशाय, ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ माफ करना, जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। आपको तो आज भाई बनाया है ना, प्रणाम करना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता मेरी उम्र तुझे लग जाए। अरे मुरारी लाल, यहाँ कहाँ? ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहान की तरह? पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था। अरे बेटन, तुम हद हो गई यार, 2 पैक भी दिल्ली छोड़ गए। दो थोड़ी यार, 4 थे। बाबू मोशाय, मैं तुमसे कहा था ना एक दिन हमारा मुरारी लाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया मुरारी लाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी, मैं नहीं कह रहता हूँ। नमस्ते, मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जब से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए। इनका नाम जयचंद नहीं आनंद है। तो मेरा नाम भी मुरारी लाल नहीं, ईसा भाई है। कितनी बार और कितनी बार मुझे याद दिलाते रहो कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरा आखिर आ गया है। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। नहीं बाबू मोशाय, नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूँ लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा। अरे गुरुदेव, क्यों बेटा, हमसे पहले ही एग्जिट ले रहे हो? बड़े चालाक हो मियाँ, और खुद तो बड़े हाल से तालियां ले गए, और हमारी बार क्या खाली कुर्सियां बजेंगी? क्या करूं गुरुदेव, मेरे तो डायलॉग ही खत्म हो गए, वरना मैं तुम्हें भी खा जाता। लगी सर, अच्छा तो ऊपर ही होगा मुकाबला, चल के बताओ अपना आनंद को और एक अच्छी सी ड्रामा टोली तैयार करो, हम भी आ रहे हैं। दोस्त टेप चला दो, जल्दी जल्दी मेरे दोस्त टेप चला दो। तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, दर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो।
नहीं, मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। छह महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमशाय, बाबूमशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।